अगर मन बना लो तो ऋषभ ज्यादा महंगे नहीं है महेंद्र जी। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो क्या सीएसके ऋषभ पंत को टारगेट करेगी या एस अन्ना के ऊपर फिर से पीली जर्सी दिखेगी? और क्या मैक्सी पहनेंगे सीएसके जर्सी? तो भाई क्या होगी सीएसके की टारगेट प्लेयर लिस्ट, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, भाई वीडियो शुरू कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से वो बैट्समैन है, कौन से वो बल्लेबाज है जिनको सीएसके 2025 मेगा ऑक्शन के लिए टारगेट करने वाली है। तो भाई सीएसके मैनेजमेंट की ओर से ये खबर निकल कर आ रही है कि सीएसके जो अपना एक आरटीएम कार्ड बचा है वो आरटीएम कार्ड यूज़ करने वाली है भाई अपने बल्लेबाज, अपने विकेट कीपर बल्लेबाज डेवन कॉनवे के ऊपर। डेवन कॉनवे के इसलिए ऊपर इसलिए क्योंकि भाई उन्होंने सीएसके के लिए 2 साल तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऊपर से वो बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी लेकर आते हैं। तो भाई एक तीर दो निशाने, इसलिए सीएसके डेवन कॉनवे को टारगेट करेगी आरटीएम के बहाने। तो भाई आरटीएम यूज़ करके डेवन कॉनवे को अपनी टीम में शामिल कर लेगी तो उनका एक विकेट कीपर बल्लेबाज तो हो गया भाई सस्ते में। दूसरा जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, मतलब जो विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन रहता है जिसको टारगेट करेगी, वो है भाई केएल राहुल। तो भाई केएल राहुल के ऊपर तो इनको क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी की एक रिप्लेसमेंट चाहिए, एक इंडियन ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए जो महेंद्र सिंह धोनी के बाद सीएसके में आएगा। तो भाई विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बात करें तो भाई केएल राहुल को टारगेट करने वाली है, और ये आपको ही पता है, हमको पता है, लेकिन ये केएल राहुल इनको मिलेंगे नहीं क्योंकि केएल राहुल को सीएसके के साथ साथ आरसीबी भी टारगेट करेगी, दिल्ली भी टारगेट करेगी, केकेआर भी टारगेट करेगी, और भी बहुत सारी टीमें जो केएल राहुल को टारगेट करेगी। और सीएसके के पास इतना पर्स नहीं कि भाई वो इतने बड़े प्लेयर को भाई टीम में शामिल करे, लेकिन टारगेट करने में क्या जा रहा है, क्या पता निशाना लग जाए। तो सीएसके भाई केएल राहुल के पीछे तो जाने वाली है, अब ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो बहुत चांसेस बहुत कम है। वहीं दूसरे जो प्लेयर है जिनके पीछे भाई सीएसके जाने वाली, वो भी इनको नहीं मिलने वाले, वो है भाई ऋषभ पंत, एक और विकेट कीपर बल्लेबाज, वो भी सीएसके को नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई पहले से भाई रिक्की पोंटिंग बैठे हुए हैं और आरसीबी भी लगा सकती है, दिल्ली तो नहीं लगाएगी भाई, लखनऊ जो है वो भी लगा सकती है ऋषभ पंत के पीछे। तो भाई 20 करोड़ से ऊपर जाने वाले ऋषभ पंत, तो भाई ये आपको पता, मेरे को भी पता है कि भाई ऋषभ पंत ये भी नहीं मिलने वाले इनको, पता है हमें, फिर भी करेंगे इसके लिए, बर्बादी की हद तक करेंगे। तो भाई सीएसके मैनेजमेंट केएल राहुल पे लगाएगी वो शायद नहीं मिले, ऋषभ पंत पे लगाएगी वो शायद नहीं मिले, लेकिन जो भाई ईशान किशन है एक और विकेट कीपर बल्लेबाज, ये शायद इनको मिल सकते हैं सस्ते में, भाई 15 करोड़ के आसपास ही इनको मिल सकते हैं क्योंकि भाई ईशान किशन को सिर्फ एक गुजरात टाइटन है उसने मन बना रखा है कि हम ईशान किशन को लेंगे, और एक दिल्ली उन पर लगा सकती है, लेकिन ईशान किशन पे 15, 16, 17 करोड़, 18 करोड़ तक ये चेन्नई वाले लगा सकते हैं। तो ईशान किशन इनको मिल सकते हैं उसका 50-50 संभावना है। तो भाई ये तो हो गए बल्लेबाज, और बाकी मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं किसको टारगेट कर सकते हैं? तो भाई एक नाम जो भाई सबसे ऊपर है भाई राहुल त्रिपाठी, क्योंकि भाई राहुल त्रिपाठी धोनी के साथ खेले हुए, धोनी भाई राहुल त्रिपाठी को बहुत पसंद करते हैं। तो भाई 2022 के मेगा ऑक्शन में भी 7-8 करोड़ तक चली गई थी राहुल त्रिपाठी के पीछे, लेकिन पर्स कम होने की वजह से इनको राहुल त्रिपाठी नहीं मिले। भाई इस बार मौका है और राहुल त्रिपाठी इतने महंगे भी नहीं जाएंगे, तो राहुल त्रिपाठी को भाई अपनी टीम में लाएगी लाएगी आप लिख के रख लेना। दूसरा भाई एक और बल्लेबाज ये रचिन रैना के ऊपर दाव लगाएगी, क्योंकि भाई आपको पता है सीएसके जो है अपने पुराने प्लेयर को वापस खरीद लाती ज़्यादातर, तो रचिन रैना के ऊपर ये दाव लगाएगी और एक अजिंक्य रहाणे को फिर से लाना चाहेगी। अजिंक्य रहाणे भाई अनुभवी प्लेयर, आपको पता ही अनुभवी प्लेयर और सीएसके का नाता, तो अजिंक्य रहाणे को फिर से ले आएगी है, और एक वेंकटेश अय्यर केकेआर से एक नाम है जिनके पीछे सीएसके जा सकती है, जो भाई ज़रूरत पड़ने पर ओपनिंग भी करके दे सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और फिनिशिंग का काम भी कर सकते हैं जो इंडिया के लिए उन्होंने किया था, और बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो भाई वेंकटेश अय्यर के ऊपर सीएसके जाएगी। तो ये तो थी भाई बल्लेबाजों की लिस्ट जिनको सीएसके टारगेट करेगी, और जिसमें से कुछ 2 से 3 बल्लेबाज तो सीएसके अपनी टीम में भाई खरीद ही लेगी, ये तो आप लिख के रख लेना। तो अब भाई बैट्समैन से आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कौन से वो ऑलराउंडर है जिनके पीछे भाई सीएसके मोटा पैसा लगाने वाली है, विकेट कीपर बल्लेबाज के बाद सीएसके किसी पे मोटा पैसा लगाएगी तो है भाई ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर में भाई ये खबर आ रही थी कि सीएसके की मैनेजमेंट जो है वो आरसीबी के किसी 2 में से किसी एक ऑलराउंडर को लेना चाह रही है, तो कौन है ऑलराउंडर उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई पहला जो ऑलराउंडर है जिसको सीएसके टारगेट करेगी फॉर श्योर वो है भाई ग्लेन मैक्सवेल। तो भाई 2021 के मेगा ऑक्शन में वो स्मॉल ऑक्शन था भाई, मिनी ऑक्शन, तो भाई उसमें भी सीएसके ने 10-11 करोड़ तक मैक्सवेल के लिए बोली लगा दी थी, लेकिन पर्स कम था इसलिए आरसीबी ने उनको ले लिया, तो मैक्सवेल उनको उस टाइम नहीं मिला था, फिर वो मोइन अली के पीछे गए। तो सीएसके का कुल मिला के ऐसा फंडा है कि उनको ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो ऑफ स्पिन डाल सके और बैटिंग तगड़ी कर सके, और भाई ऐसा ऑलराउंडर फिर ग्लेन मैक्सवेल से अच्छा और कौन होगा। तो 2021 में नहीं ले पाई, इस बार वो पूरा टारगेट करेगी, अब देखते हैं आरसीबी उनके ऊपर आरटीएम यूज़ करती है या नहीं, बाकी टारगेट जरूर करेगी। दूसरा ऑलराउंडर जो है वो आरसीबी को टारगेट कर वो आरसीबी के ऑलराउंडर को टारगेट करेगी वो है अपने भाई कैमरॉन ग्रीन।
कैमरन ग्रीन इसलिए भाई डीजे ब्रावो के बाद जाने के बाद सीएसके के पास उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं आया। डीजे ब्रावो गए, उन्होंने स्टॉक्स पर दाव लगाया, स्टॉक्स का मतलब काम नहीं बना। फिर 14 करोड़ पिछली बार ऑक्शन में भाई डेरेल मिचेल के ऊपर लगा दिया, लेकिन उनसे वो वैल्यू नहीं मिली। तो भाई इस बार वो कैमरन ग्रीन के ऊपर दाव लगाने वाली है, और कैमरन ग्रीन के साथ साथ सेम करन के ऊपर भी वो दाव लगाने वाली है, क्योंकि भाई डीजे ब्रावो की रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको कोई ऑलराउंडर मिला नहीं है। और सेम करन ने पहले सीएसके के लिए परफॉर्मेंस कर रखा है, बाकी और किसी ऑलराउंडर ने परफॉर्म नहीं किया जिस पर दाव लगा। तो ये फिर से सेम करन के पास जा सकते कि भाई तूने मेरे लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया था, हम तेरे पर दाव लगा रहे, तू वापस आ जा। तो सेम करन के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब बात करें चौथे ऑलराउंडर की, जिसके पीछे भाई ये हाथ धो के क्या नहा धो के पीछे जाएगी, वो है भाई अश्विन अन्ना, एस अन्ना। सीएसके भाई चेन्नई इनका अश्विन का होम ग्राउंड भी है, चेन्नई के वो है और पहले भी चेन्नई से खेल चुके हैं। और चेन्नई भाई रिपोर्ट्स के अनुसार महेश टिक्सना से आगे बढ़ के अब अश्विन के पास जाने वाली, क्योंकि महेश टिक्सना जो वेरिएशन लाते भाई कैरम बॉल, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, वो वेरिएशन आपको एक इंडियन करके दे रहा है ना भाई रविचंद्रन अश्विन, वो भी कैरम बॉल डालते हैं, लेग स्पिन डालते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, और साथ ही भाई वो बैटिंग भी करके देंगे, बहुत तगड़ी बैटिंग करके देंगे, और कभी कोलैप्स होता है तो ऊपर भी कर सकते हैं जैसा हमने राजस्थान में देखा था। तो महेश टिक्सना के बजाय अश्विन के साथ ज़्यादा वैल्यू है, तो वो अश्विन के साथ जाने वाले, क्योंकि 5-6 करोड़ के अंदर मिल जाएंगे। तो ये तो थी ऑलराउंडर की भाई, जिसमें हमने बात कर ली भाई मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, सेम करन और अश्विन, ये चार नाम तो भाई, पांच नाम तो आप लेके चलो है, जिसमें से भाई एक नाम तो भाई सीएसके अपने इसमें ऐड कर ही लेगी। तो भाई अब बात कर ले तो ऑलराउंडर की, ये ऑलराउंडर की बात हो गई। अब बात कर ले तो भाई बॉलर्स की, किस बॉलर के ऊपर वो दाव लगाएगी, तो फास्ट बॉलर पर ही लगाएगी, क्योंकि स्पिन के लिए ज़्यादा नहीं जाएगी है, स्पिन ये छोटे मोटे को लेकर आ जाए, राहुल चहर, मयंक मार्कंडे ऐसे को ला सकती, बाकी अश्विन जडेजा इनके पास टॉप प्रायोरिटी है, और वॉशिंगटन सुंदर। तो भाई जो ये फास्ट बॉलर पे जो इन्वेस्ट करने वाली है, पथिराना इनके पास अकेले हैं, इसके बाद भाई ये तुषार देशपांडे को तो फिर से लाने वाली है, क्योंकि 2-3 साल से तुषार देशपांडे को अपने साथ रखा है, और तुषार देशपांडे जैसा बॉलर भाई 13-13-14 की इकोनॉमी थी, तो भी उसको एक मैच में भी इन्होंने बाहर नहीं किया है। मतलब इसका मतलब तुषार देशपांडे की उन्होंने अंदर कुछ देखा था, और उस पर जब प्लेयर पे मेहनत करी 2-3 साल तक उसको बनाया, तो भाई उन्होंने ऐसा बना दिया कि वो इंडिया के लिए खेल गया तुषार देशपांडे। तो तुषार देशपांडे इनको भाई 2-3-4 करोड़ के अंदर अंदर मिल जाएंगे, और ये फिर से उनको लेके आ जाएंगे। तीसरे भाई दूसरे जो बॉलर है जिनको दाव लगाना चाह रही है, वो खबर आ रही भाई गुजरात के मोहम्मद शमी, क्योंकि भाई सीएसके मैनेजमेंट की ओर से ये खबर आ रही, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि सीएसके जो मोहम्मद शमी के ऊपर दाव लगाने चाह रही है। अब वो मोहम्मद शमी पे क्यों दाव लगाना चाह रही, क्योंकि अब दीपक चहर उनके साथ रहे, वो इंजर्ड रहते आधी बार, तो उसी की वजह से भाई वो मोहम्मद शमी, दीपक चहर से आगे बढ़ के मोहम्मद शमी पे ज़्यादा पैसा लगाने वाली है, क्योंकि दीपक चहर पे अब पिछली बार की तरह नहीं जाएंगे कि 14-14.5 करोड़ तक चले गए, इस बार शायद सस्ते में दीपक चहर मिले तो ठीक है, नहीं तो वाह। तो मोहम्मद शमी के ऊपर वो दाव लगाना चाह रही है। उसके बाद जो तुषार देशपांडे खरीद लेगी वो मोहम्मद शमी खरीद लेगी, और दीपक चहर सस्ते में मिल जाएंगे तो वो लेके आ जाएगी। बाकी अब ये जो है फॉरेन फास्ट बॉलर के ऊपर इन्वेस्ट करने वाली, और ऐसा फास्ट बॉलर जो भाई कटर्स अच्छे डालता हो, जैसे भाई पहले इनके पास डीवन प्रिटोरियस थे जो कटर्स वगैरह डालते थे, वो गए, फिर ये मुस्तफिजुर के लिए आए कि हाँ भाई कटर्स डालता है, ये डालता है, पावर प्ले कर लेता देते में, तो ये मुस्तफिजुर के पास फिर से जा सकते हैं, क्योंकि भाई पिछली बार 2 करोड़ में ले आए थे, इस बार भी सस्ते मिल जाएंगे। बाकी एक और जो ऐसा प्लेयर है जिसको टारगेट करेंगे जो कटर्स अच्छे डालता है और पावर प्ले देते में कर सकता है, वो है भाई साहब लखनऊ से नवीन उलग। भाई बहुत सस्ते मिल जाएगा, 5-6-7 करोड़ के अंदर अंदर ये प्लेयर मिल जाएगा, क्योंकि सीएसके जो अपना मोटा पैसा है वो एक इंडियन विकेट कीपर, बल्लेबाज और ऑलराउंडर के ऊपर लगाने वाली है। तो भाई बॉलिंग में इतना ज़्यादा बड़े बड़े नाम नहीं खरीदेगी कि स्टार्क हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, तो भाई नवीन उलग के ऊपर ये जाएगी। तो भाई मुस्तफिजुर के ऊपर जाएगी, नवीन उलग के ऊपर जाएगी। बाकी एक और जो नाम है वो है भाई जेम्स एंडरसन, 41-42 साल के जेम्स एंडरसन, 1.25 CR इनका भाई बेस प्राइस है, और ये बेस प्राइस में मिल सकते हैं या 2-3-4 करोड़ के अंदर अंदर मिल सकते हैं। और आपको तो पता है सीएसके जाएगी जाएगी इनके पीछे, क्योंकि भाई वो यूँ नहीं देखेगी यार बॉलर मिल रहा है, वो यूँ देखेगी हमको एक मेंटर भी मिल रहा है जो हमारे युवा बॉलर को गाइड भी करेगा, ऐसा देखेगी। तो सीएसके इस सोच से जेम्स एंडरसन को खरीद के ला सकती है। तो भाई ये हमने बात कर ली कि सीएसके भाई बैट्समैन क्या होंगे, ऑलराउंडर क्या होंगे, और बॉलर के होंगे जिनको सीएसके टारगेट करेगी। तो भाई आप कमेंट करके बताओ और ऐसा कौन सा प्लेयर आपकी नज़र में जो मैं भूल गया हूँ कि भाई सीएसके इसके पास भी जा सकती है, इसको भी टारगेट कर सकती है, तो कमेंट करके बताओ। बाकी हमने सीएसके की बात कर ली, अब हम अगली टीम की बात करेंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखो, और बाकी वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी हो तो।